नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। गेहूं और चावल के बाद अब कीटनाशकों के अधिक प्रयोग ने भारतीय चाय की छवि खराब कर दी है। कई देशों ने भारतीय चाय की खेप वापस कर दी है, क्योंकि इसमें कीटनाशक का अधिकतम अवशेष स्तर निर्धारित मात्रा से अधिक था। वहीं भारतीय चाय निर्यात संघ यानी कि ITA के अध्यक्ष से ये जानकारी प्राप्त हुई। वहीं इससे पहले यूरोप में भारतीय बासमती चावल का कारोबार भी ज्यादा कीटनाशकों के इस्तेमाल से प्रभावित हुआ था। तब से केंद्र सरकार बासमती धान की खेती करने वाले किसानों को जागरूक कर रही है कि क्या किया जाए ताकि कीटनाशकों का प्रयोग ना के बराबर हो। वहीं दरअसल कई देशों में खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों के स्तर को लेकर सख्त नियम हैं, जिनका वे सख्ती से पालन करते हैं, जबकि भारतीय किसान इसका अंधाधुंध उपयोग करते हैं, वहीं जिससे उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। चाय और चावल ही नहीं, इससे पहले तुर्की ने भी 56,877 टन भारतीय गेहूं ये कहकर लौटा दिया था कि इसमें रूबेला वायरस है। वहीं एसोसिएशन ऑफ टी एक्सपोर्टर्स के अध्यक्ष ने कहा कि भारत श्रीलंका में संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाय की कमी को पूरा करने के लिए वैश्विक बाजार में चाय का निर्यात बढ़ाकर अपने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाना चाहते हैं। वहीं हालांकि रसायनों की अधिकता के कारण निर्यात किया जा रही चाय को झटका लग सकता है, क्योंकि कई देश इसे लौटा चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कई देश चाय के लिए सख्त नियमों का पालन कर रहे हैं। अधिकांश देश यूरोपीय संघ के मानकों का पालन करते हैं, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI से अधिक कड़े हैं। वहीं भारत ने वर्ष 2021 में 195.9 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया, जिससे 5,246 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। चाय बोर्ड ने इस साल 30 करोड़ किलो चाय निर्यात करने का लक्ष्य रखा था। वहीं बता दें कि ज्यादातर खरीदार चाय खरीद रहे हैं उनमें असामान्य रूप से उच्च रसायन पाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय चाय उत्पादक सरकार से FSSAI के नियमों में ढील देने की मांग कर रहे हैं। ये सही नहीं है, क्योंकि चाय को हेल्थ ड्रिंक की श्रेणी में रखा जाता है। यही कारण है कि दुनिया के ज्यादातर देश चाय के लिए सख्त नियमों का पालन करते हैं। इसमें ज्यादातर देश यूरोपीय संघ के मानक का पालन करते हैं, जो FSSAI के नियमों से काफी सख्त है। तो ये थी बात कि चावल और गेहूं के बाद अब भारतीय चाय की छवि खराब हो रही है। वहीं कई देशों ने भारतीय चाय की खेप वापस लौटा दी है।